हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 16 मई से 31 मई 2020 तक का। इससे पहले हमने 1 से 15 मई तक का जो करंट अफेयर है वो कर लिया था, तो आज हम करेंगे 16 से 31 मई 2020 तक का पूरा करंट अफेयर। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस तरह के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और उसके सामने एक बेल का आइकन आएगा इस प्रकार का, उसको जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या क्या है। पहला प्रश्न है कि अबूझमाड़ को बुझने की नई पहल में ओरछा ब्लॉक में क्या खोला गया है। तो आपको बताना है कि ओरछा ब्लॉक में जो है इनमें से क्या खोला गया है अबूझमाड़ को बुझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा मिनी थिएटर जो है वो अबूझमाड़ को बुझने के लिए ओरछा ब्लॉक में खोला गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। तो ओरछा ब्लॉक के ग्राम बासिम में पहला मिनी थिएटर कम डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है। थिएटर के खुल जाने से अबूझमाड़ियों का मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की ताजा खबरों और गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो याद रखिएगा ग्राम बासिम है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक मिनी थिएटर कम डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है अबूझमाड़ियों के लिए। दूसरा प्रश्न है कि आई एम द वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो आपको बताना है कि आई एम द वन इनमें से किसके द्वारा जो है ये कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षा विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन अध्यापन की घर बैठे सुविधा मुहैया कराने के बीते 1.25 महीने से संचालित पढ़ई तुहर द्वार वेब पोर्टल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुसार शिक्षा विभाग ने और बृहद स्वरूप दे दिया है। इस पोर्टल में आई एम द वन कार्यक्रम को भी अब शामिल कर लिया गया है, जिसके जरिए स्कूली बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अब विभिन्न कलाओं को भी शिक्षा दी जाएगी, मतलब विभिन्न कलाओं में शिक्षा दी जाएगी। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार इस वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी कला प्रतिभा को निखार सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकान ने अपने निवास कार्यालय में आई एम द वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन और बन जाता है कि इसका शुभारंभ किसने किया, तो शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री का नाम याद रखना है डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न बोल रहा है सॉरी, बस्तर में देव की तरह पूजी जाती है इंद्रावती नदी की कौन सी मछली। तो आपको बताना है कि बस्तर में देव की तरह कौन सी मछली जो है वो पूजी जाती है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा ये आप मछली के देख सकते हैं, बोध मछली, इसका नाम है बोध मछली। ये मछली का आप यहां पर देख सकते हैं पिक्चर। ठीक है, इस मछली का नाम है बोध मछली, जिसको बस्तर में देव की तरह जो है वो पूजा जाता है। बोध मछली को बस्तरवासी सम्मान देते हैं। इसके नाम पर ही बारसूर के पास बोध नामक गांव है। लंबित पन बिजली परियोजना का नाम भी बोध घाट रखा गया है। जगदलपुर शहर के कॉलोनी और थाना का नाम भी बोध मछली के नाम पर क्रमशः बोध घाट कॉलोनी और बोध घाट थाना रखा गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है, बोध मछली। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए कौन सा अभियान जो है वो संचालित होगा। तो असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, पढ़ना लिखना अभियान जो है वो संचालित किया जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत असाक्षरों को पढ़ाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के असाक्षरों को साक्षर करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आकांक्षी जिलों में इस अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो 10 आकांक्षी जिला है उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर में। ठीक है, पांचवें प्रश्न की तरफ आते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में किनको शामिल किया जाएगा। तो देखिए अभी अभी न्यूज में ये खबर आई थी कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में भूमिहीन किसानों को या भूमिहीन मजदूरों को जो है वो जगह दी जाएगी। तो यहां पर आएगा भूमिहीन कृषि। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज कर रही है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 19 लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। देखिए इसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप उसको डिटेल वीडियो में देखिएगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी न्याय योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का फैसला कर लिया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को, यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के
भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्याय योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का फैसला किया है। तो याद रखिएगा, द्वितीय चरण में कौन शामिल है, तो भूमिहीन कृषि मजदूर। एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न यहां पर एक आपके सामने है, आईएमपी यहां पर टिक कर लेते हैं। जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो आईएमपी इसको देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ ओडीएफ प्लस प्लस घोषित होने वाला देश का कौन सा राज्य बना है, और ये आपके आगामी जब भी एग्जाम होगा आपका तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा करंट अफेयर के पार्ट में। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ ओडीएफ प्लस प्लस घोषित होने वाला कौन सा राज्य बना है, तो पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य बना है ओडीएफ प्लस प्लस घोषित होने वाला। भारत सरकार द्वारा जारी ओडीएफ प्लस प्लस के नतीजों में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नगरीय निकायों ने शानदार सफलता का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला और इकलौता राज्य है जिसे ओडीएफ प्लस प्लस होने का गौरव हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में स्वच्छता के मामले में अंबिकापुर शहर में एक बार फिर पूरे देश में नाम रोशन किया है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में 5 स्टार रेटिंग के साथ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को इस सूची में प्रथम स्थान पर जगह दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कई लोगों को ODF का फुल फॉर्म नहीं मालूमगा, तो वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो याद रखिएगा, ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, यानी इसको हिंदी में इसका मतलब होता है खुले में शौच से मुक्त। तो याद रखिएगा, ठीक है, नहीं मालूम हो उन लोगों उनकी जानकारी के लिए। सातवां प्रश्न है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आतंकवाद दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में आतंकवाद दिवस मनाया गया 21 मई को, और ये पूरे भारत में ही मनाया गया आतंकवाद दिवस 21 मई को। देश में इस आतंकवाद विरोधी दिवस को कोरोना संक्रमण की छाया में मनाया जाएगा। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोध शपथ दिलाई जाती है। तो याद रखिएगा 21 मई। छत्तीसगढ़ में आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहले रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस से कितने पुलिस वालों को सम्मानित किया गया। तो देखिए, यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ ये स्टार्ट किया गया है, और इसमें 3 पुलिसकर्मियों को जो है वो पहला सम्मान जो है वो दिया गया है। यहां मैं उनके नाम भी आपको बता दूंगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के पुलिसकर्मियों को रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस से पुरस्कृत किया जाएगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि उत्कृष्ट कार्य के साथ साथ सेवा भावना प्रदर्शित कर पुलिस की छवि बेहतर बनाने वाले कर्मियों के उत्साहवर्धक के लिए उक्त योजना शुरू की गई है। अवस्थी ने पहले रोल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस सरकार से प्रधान आरक्षक विष्णु पुनेम, याद रखिएगा आरक्षक मरकुस खेस और आरक्षक चमराराम मरकाम को 1,000 रुपए नगद और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। तो आपको याद रखना, 3 पुलिस वालों को यह अवार्ड जो है दिया गया है। नवा प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में कब से शुरू किया गया। तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए, 21 मई से शुरू किया गया। मैंने कहा कि इसके लिए एक डिटेल से अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको ये सारी योजनाओं के बारे में डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना 21 मई से योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किनके द्वारा घोषणा की गई, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। लाभार्थी होंगे राज्य के किसान। उद्देश्य होगा किसानों को धान की अंतर की राशि प्रदान करना, और शुरुआत की गई है 21 मई से, तो याद रखिएगा। ठीक है, दसवां प्रश्न है कि प्रदेश में हर वर्ष कौन से दिन झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 25 मई को यह मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 मई को हर वर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि अब हर वर्ष 25 मई को शासकीय और गैर शासकीय कार्यालयों में झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, और राज्य को फिर एक शांति का टापू बनाने की शपथ ली जाएगी। तो याद रखिएगा 25 मई झीरम श्रद्धांजलि दिवस। 11वां प्रश्न है कि बस्तर विश्वविद्यालय अब किसके नाम से जाना जाएगा। यह आप सभी को मालूम होना चाहिए मेरे ख्याल से कि बस्तर विश्वविद्यालय अब किसके नाम से जाना जाएगा। यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम से जो है ये जाना जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल हमले में शहीद जवानों और नेताओं को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। भूपेश बघेल ने बस्तर विश्वविद्यालय का नाम महेंद्र कर्मा के नाम पर करने की घोषणा कर दी है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सी खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा। अब इनमें से जो है आपको बताना है कि कौन सी खेती को जो है कृषि का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा लाख की खेती को कृषि का दर्जा छत्तीसगढ़ में दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट में कौन सी ऐप युवाओं के रोजगार के लिए अहम कड़ी बनी हुई है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऐप है जो युवाओं के रोजगार के लिए अहम कड़ी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रोजगार संगी ऐप। रोजगार संगी मोबाइल ऐप
योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाकर बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर करना है। ठीक है, चौदहवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा रायपुर में। कहां पर बनाया जाएगा? रायपुर में। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेश के खेल समाज टेनिस खिलाड़ियों और पदाधिकारियों को खुशखबरी देते हुए बताया कि उन्हें लगातार प्रयासों से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टेनिस एकेडमी और टेनिस स्टेडियम हेतु न सिर्फ भूमि का आवंटन किया वरन एकेडमी निर्माण हेतु तत्काल टेंडर भी जारी करने का निर्देश दिया। तो कहां बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम? तो रायपुर में। पंद्रहवा प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ? तो आप सभी को मालूम है इस प्रश्न का आंसर, तो आप सभी जानते हैं अजीत जोगी जी का जो है वो निधन हो गया, 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ठीक है, 16 प्रश्न की तरफ चलते हैं। लघु धान्य फसलों में रिसर्च के लिए कौन से जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो लघु धान्य फसलों में रिसर्च के लिए कौन से जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो जगदलपुर को जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि लघु धान्य फसलों में अनुसंधान के लिए ICAR द्वारा जगदलपुर केंद्र को देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया गया है और 28 मई को यह दिया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 17वां प्रश्न है कि CGPSC के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? तो आपको यह भी याद रखना है, देखिए अपॉइंटमेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि CGPSC के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? तो RK पिस्दा थे, और अब कौन है? तो अब है कामन सिंह सोनवानी, इनको जो है वो चेयरमैन बनाया गया है CGPSC का नया, तो ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय के सेक्रेटरी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर टॉमन सी सोनवानी राज्य लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बनाए गए। टॉमन सी 2004 बैच के IAS अफसर है। ठीक है, तो ये 17 प्रश्न थे आपके 16 से 31 मई के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के। देखिए क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए आपको यहाँ पर करंट अफेयर में शामिल कर लिया गया। तो 17 प्रश्न आप लोगों को क्या करना है, ये ध्यान रखना है, याद कर लेना है, चाहे जो भी कर लेना। PDF के लिए आप मुझे WhatsApp जो आपको मालूम है उस पर करिएगा, जो पिछले बार मैंने आपको दिया था WhatsApp पे, तो वैसे ही WhatsApp आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। देखिए एक लाइक से बहुत मोटिवेशनल मिलता है, तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट कर भी जरूर बताइएगा, ताकि और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश की जाए। देखिए मैं ये इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग हमारा उत्साह वर्धक कर सके। ये ऐसा सिचुएशन है, ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए और कमेंट जरूर करिए। जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपकी मर्जी है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। PDF आप लोगों को वही आपको मैंने बताया WhatsApp आप करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।